भूमिहीन किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने अपनी 260 बीघा भूमि को दोबारा आवाप्ति को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर रखा है। क्रमिक धरने के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर 11वें दिन सिविल लाइन थाना पुलिस ने भूख हड़ताल पर बैठे किशन चौहान और इंद्रराज दगदी को अनशन स्थल से उठाकर जेलन अस्पताल में भर्ती करा दिया। हमारी मांगे हैं कि डीएवी कॉलेज के किसानों की जितनी भी जमीनें हैं 260 बीघा जमीन वो वापस करी जाए, यही मांग है और मरते दम तक यही मांग करेंगे। अगर प्रशासन जो है जबरदस्ती भी उठा के अगर फेल करना चाहेगा तो हम फेल नहीं होने देंगे। यहाँ से जो है मैं बिल्कुल ठीक था और जबरदस्ती पुलिस वाले उठा के लेके आए मेरे को और मेरे साथी को, जो है कहने लगे कि जाँच हो रही है जो है। वहीं यश गढ़वाल और सुरेंद्र चौहान अनशन पर बैठे रहे। गुरुवार को अनशनकारियों का साथ देने शिवसेना कमांडो फोर्स के संभाग प्रमुख कंचन पाल चौहान पहुंचे और अनशनकारियों के साथ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर सीज की गई भूमि किसानों को वापस लौटाने की मांग की। भूमिहीन किसान संघर्ष समिति के सदस्य राकेश गढ़वाल ने बताया कि साल 1946 में हुए सरकारी अनुबंध की शर्तों के विपरीत भूमिहीन किसानों की अवाप्त शुदा 260 बीघा भूमि का कागजी संस्था की आड़ में चंद आर्य समाजियों द्वारा निजी लाभ उठाया जा रहा है, जिसमें उन्हें बेदखल कर शर्तों के अनुसार सरकार को दोबारा अवाप्त कर विवादित भूमि को सीज करनी थी, लेकिन सरकार शासन और प्रशासन ने भूमिहीन किसान संघर्ष समिति की पीड़ा को नहीं समझा और अफसरशाही के विरोध में अशोक गहलोत के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखते हुए अव्यथित किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर रखा है। वो जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे श्री किशन जी चौहान और दगदी साहब, उनको स्वस्थ होते हुए भी पुलिस आई और उनको जबरदस्ती जेएलएन हॉस्पिटल में लेके चल गई कि ये अस्वस्थ हैं, जबकि पूरे स्वस्थ हैं। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती लेके आए हैं और हमारा आमरण अनशन तोड़वाना चाह रहे हैं, ये हमारे साथ में काफ़ी परेशानी कर रहे हैं, जबकि हमने शुरू से हाथ जोड़ के उनको निवेदन कराया कि हम मर जाएंगे, आप हमारे साथ में न्याय करो। 3 दिन बाद कलेक्टर ने जांच करके इन 1996 से आज तक सरकार को सिफारिश कर दी है कि न्यू डीएवी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉलेज अस्तित्व में ही नहीं है, कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है, एग्रीमेंट की सारी शर्तों का उन्होंने ब्रिज किया है, लिहाजा सरकार इन्हें तुरंत सीज करे और नियमानुसार कानून इन किसानों को लौटाया जाए। कॉलेज को दी गई थी जिस काम के लिए दी गई थी वो काम में तो उसने ली नहीं, उसकी जगह उसने दुकानें कॉमर्शियल पर्पज पे ले लिया, दुकानें बनवा दी, कॉम्प्लेक्स बनवा दिए और शादी के इत्यादि के लिए काम में ले रहा है, और जबकि उसको दी गई थी इंडस्ट्रीज के लिए और दूसरी चीज के लिए दी गई थी। कॉलेज के नाम पे उन्होंने ली है और वो फर्जी केवल कागजों में है, तो वो कॉलेज के